जैसे हम नॉर्मल क्रॉप करते थे वहाँ पैडी, बाजरा, वीट, ये सब, उसमें उतना प्रॉफिटेबिलिटी रहता नहीं था। तो हमने फिर 2017 से तुलसी का प्लांटेशन डालना स्टार्ट किया। तुलसी एक पेरेनियल क्रॉप है, हम उसको एक साल में 3 कटिंग ले सकते हैं हम उनका। पहले तो नर्सरी डालना पड़ता है, नर्सरी में हम मैन्युअली सीड ब्रॉडकास्ट करके उनको पानी देते हैं, उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद 20-25 डेज के बाद हम उनको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। प्लांटेशन के बाद तुलसी 3 से 3.5 महीने में फर्स्ट कटिंग के लिए रेडी हो जाता है। तुलसी कटिंग करने के बाद हमको वहाँ से लाके यहाँ ग्रीन नेट में सुखाना पड़ता है। 10 दिन के बाद हमको पूरा ड्राई तुलसी मिल जाएगा। उसके बाद हम ऐसे एक लकड़ी से उसको बीट करके पूरा लीफ और उसका जो भी ट्रिंक्स का पोर्शन रहता है उसको सेपरेट करते हैं। जैसे हमारा तुलसी सेपरेट होकर रेडी होता है, वैसे हम बैक फिलिंग करके उसके बाद हम गोडाउन में स्टोर करते हैं, और जैसे फर्मंजा से रिक्वायरमेंट आता है उतना माल हमको, हम यहाँ से फर्मंजा को सप्लाई करते हैं। हमको तो फर्मंजा के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हमको तुलसी दे सके ऐसे वो ट्राई करते हैं। जब भी टेक्निकल गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है वहाँ की टीम आके हमको सपोर्ट करती है। जैसे हम तुलसी उगाते हैं ऐसे हम दूसरे फार्मर को भी रिकमेंडेशन करेंगे कि आप भी तुलसी उगाओ, अपने लिए अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम उसमें से कमा सकते हैं। फर्मंजा और हमारा एक ही गोल है कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का तुलसी उगा कर उनको दें, ताकि जो भी उनके मेडिकल बेनिफिट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें।